हाय दोस्तों, नमस्कार। ड्राइविंग मास्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमर। आज आपको मैं दो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। एक तो है पैरेलल पार्किंग और दूसरा है फॉरवर्ड पार्किंग। सो, अभी हम देखते हैं फॉरवर्ड पार्किंग कैसे करते हैं दो गाड़ी के बीच में, जब भी डिस्टेंस थोड़ा कम है। लेट्स स्टार्ट। सो आपको क्या करना है, पहले जो बीच का गैप है आपका क्लियरेंस सीधा रखना है। जब भी आप अंदर जाने से पहले ऑब्वियसली सीधा रहता है। फिर आपको क्या करना है, पूरा स्टेयरिंग क्लॉकवाइज घुमाना है, पूरा गाड़ी अंदर तक जाने देना है। फिर इसका जब भी नंबर, ये गाड़ी का नंबर प्लेट जब भी आपको हाफ दिखेगा तो भी पूरा क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर सीधा करना है गाड़ी को। फिर उसका बम्पर जब तक आपको दिखता है तब तक आप आगे लेना है गाड़ी, फिर रुक जाना है। फिर गाड़ी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, रिवर्स डालना है और पीछे की तरफ जाना है आपको। पीछे की तरफ तब तक जाना है जब तक आपके पीछे के विंडो से आपको वो गाड़ी का पूरा बोनेट कवर नहीं, मतलब बोनेट आपको दिखना चालू होता है, उधर तक जाके रुकना है। फिर आपको वहाँ से क्या करना है, गाड़ी को पूरा क्लॉकवाइज घुमाना है, बाहर आना है। बाहर आने के बाद रुक जाना है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, रिवर्स डालना है, गाड़ी आपका अंदर डालना है। अंदर डाल के फिर आपको अलाइनमेंट देखना है ये गाड़ी का, पीछे वाले मिरर से अलाइनमेंट देखना है कि आपको उसका पूरा कॉर्नर तक ऐसा, ये कॉर्नर से कॉर्नर मैच करना है, उसका हेडलाइट और आपका गाड़ी का कॉर्नर ऐसा मैच, ये अलाइनमेंट होना चाहिए आपका एग्जैक्ट। और ये अलाइनमेंट से फिर आपको फिर घुमाना है, फिर पीछे लेके लेके जाना है। फिर इसको सीधा करिए, थोड़ा सा आगे जाके रुक जाइए। नमस्कार दोस्तों, आपका वापस एक बार स्वागत है ड्राइविंग मास्टर में। मैं हूँ अमर। आज आपको सिखाने जा रहा हूँ स्लोप पे कैसे पैरेलल पार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा देखिए आप स्लोप है और गाड़ियाँ स्लोप पे पैरेलल पार्क्ड है। सो ये टेक्निक आपको सिखाता हूँ। आपको वो आपका स्टेयरिंग पूरा हाफ नंबर प्लेट नहीं दिखता ये वाली गाड़ी का। और फिर आपको गाड़ी सीधा करना है, सीधा मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है स्टेयरिंग। ये आपकी गाड़ी लग गई पैरेलल पार्किंग में। सो आई होप आपको आज का दो टेक्निक्स अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी हमारा नया वीडियो आ जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।